सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन योर यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स। तो हमारी वेब डेवलपमेंट की ट्यूटोरियल चल रही है जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट को। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम आज पढ़ने वाले इवेंट लिसनर और इवेंट में फंक्शंस का यूज कैसे करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में सीखने वाले। तो वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से एंड तक। तो बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फाइल को सेव कर रखा है HTML की, ठीक है, evm.html के नाम से। तो मैं यहाँ पर कुछ डमी डाटा डाल रहा हूँ, कुछ एक वेब पेज बना रहे हैं हम हमारे HTML के अंदर। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, HTML5 डॉक्यूमेंट में टाइटल की जगह हम डाल देते हैं इवेंट, ताकि लगे कि थोड़ा हमारा काम चल रहा है प्रोफेशनल, ठीक है। उसके बाद मैं एक ड्यू को ले लेता हूँ यहाँ पर नीचे बॉडी के अंदर, और उसके बाद मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ, जिसके थ्रू आपको मैं सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ कि हम करने क्या वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया ड्यू, ड्यू के अंदर एक पैराग्राफ के अंदर मैं लिख देता हूँ लोरेम से हमारा ये डमी डाटा यहाँ पर आ चुका है, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका पहले मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक डमी डाटा आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि एक बटन बनाएंगे या नीचे और, ठीक है, और उस बटन को जैसे ही दबाएंगे तो या तो हमारा ये जो पैराग्राफ है हाइड होगा और अनहाइड होगा। तो ये कुछ इस तरह से हमारा बटन का काम रहेगा, और इस तरह से इवेंट का काम इसमें रहने वाला है। तो यहाँ पर हमें क्या काम करते हैं, बटन बना लेते हैं बटन, ठीक है। तो बटन में लिख देते हैं हम शो एंड हाइट, शो स्लैस हाइट, इसकी एक आईडी प्रोवाइड कर देते हैं। तो आईडी इज ए btn, ठीक है। अब काम आता है हमारा किसका, स्क्रिप्ट का, क्योंकि HTML का पेज लिख दिया, आप चाहें तो इस पर थोड़ी स्टाइलिंग वगैरह भी कर सकते हैं, बट अभी हम मेनली इवेंट सीख रहे हैं तो स्टाइलिंग वगैरह बाद में ही करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फंक्शन क्रिएट करता हूँ स्क्रिप्ट लिख के, ठीक है, क्योंकि हम पहले फंक्शन के थ्रू इसको हाइड और अनहाइड करने वाले हैं। तो फंक्शन लिखता हूँ स्क्रिप्ट के अंदर, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फंक्शन का नाम क्या दे देता हूँ मैं, हाइट। ये मैंने फंक्शन बना लिया, फंक्शन की बॉडी भी स्टार्ट कर दी। अब फंक्शन अप्लाई कहाँ होगा भाई साहब हमारा, तो फंक्शन अप्लाई होगा हमारा कहाँ, जहाँ हमारे बटन के ऊपर क्लिक होने पर। तो जो हमारा फंक्शन है उसे मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूँ। तो कॉल कैसे करेंगे, ऑन क्लिक से। तो ऑन क्लिक पे कौन सा फंक्शन आ जाए हमारा, हाइट। तो ये हाइट फंक्शन हमारा यहाँ पर आ चुका है, सेव किया। अब इसे चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन लगा भी है कि नहीं। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर एक अलर्ट मैसेज दिखा के देख लेते हैं कि हमारा फंक्शन लगा है नहीं, जिससे क्या होता है कि हमारी टेस्टिंग भी साथ में होती जाती है। तो मैं यहाँ पर हमारे चैनल का नाम ही प्रिंट करवा देता हूँ, WWCS, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर चैनल का नाम करवा दिया है। तो हम रिफ्रेश करते हैं पहले, क्योंकि हमारा बटन के बाद हमने यहाँ पर रिफ्रेश नहीं किया था। और बटन पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो अलर्ट आ रहा है, मतलब हमारा फंक्शन यहाँ पर कॉल आसानी से सही तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको कि इसको चेक करवाना है। तो सबसे पहले हम हमारे बटन को यहाँ पर लेके आते हैं। तो लेट btn के अंदर ही हम क्या ले लेते हैं, बटन को हमारे। तो एक्सेस कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से। तो एक्सेस किसको कर रहे हैं हम, btn को, ठीक है। अब यार काम तो हमारा पैराग्राफ के ऊपर ही करवाना है, तो पैराग्राफ को भी तो फेच करवा के लाना पड़ेगा। तो पैराग्राफ को भी एक आईडी हम यहाँ पर प्रोवाइड करवा देते हैं। तो इसको आईडी दे देता हूँ मैं पेरा, ठीक है। फिर इसको भी मैं यहाँ पर निकाल के लाता हूँ पेरा में ही, लेट पेरा इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने बोला था हाइड और अनहाइड करवाना, तो पहले हम हाइड करवाना सीखते हैं। तो पैरा डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले पे ही होगा हमारा, जो भी होगा डिस्प्ले प्रॉपर्टी पे। तो इक्वल टू मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, नन। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, नन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नन।
अब इसको हम चेक करते हैं कि हमारा डिस्प्ले जो हो रहा है वो हो भी रहा है कि नहीं हाइट। तो रिफ्रेश किया, बटन पे क्लिक किया, हमारा गायब हो गया। अब अनहाइट तो नहीं हो रहा ये, अभी अनहाइट के लिए भी हमें कुछ करना ही पड़ेगा इसमें। अभी रिफ्रेश करने पर आ रहा है, तो अब अनहाइट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, इसमें कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगी कि दोनों काम ये कर सके उस कंडीशन के थ्रू। तो मैंने यहाँ पर लिखा इफ पेरा डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले अगर नॉट इक्वल नन हो तो, ठीक है, पेरा डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले अगर नॉट नन हो तो क्या हो जाए हमारा पेरा डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू हो जाए हमारा नन। ठीक है, ये हो जाए क्या हमारा नन। अगर ऐसा नहीं हो तो else कंडीशन चलेगी। ठीक है, तो else के अंदर क्या हो जाए, पैरा डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले क्या हो जाए हमारा ब्लॉक, क्या हो जाए ब्लॉक। अब हमने यहाँ पर कंडीशन दे दी, अब इसको हम चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट भी आ रहा है कि नहीं। पहले रिफ्रेश किया, देखते हैं हाइट हो रहा है, और ये देख सकते हैं अनहाइट भी हो रहा है। तो हमारा ये फंक्शन बहुत ही आसानी से यहाँ पर चल रहा है। अब होता क्या है कि यार बहुत सी बार हमें जावास्क्रिप्ट का कोड ज़्यादा लिखना पसंद नहीं आता है, तो हम बहुत सी जगह पर क्या करते हैं, इवेंट लिसनर का यूज़ करते हैं। तो इवेंट लिसनर का यूज़ कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पर वापस पेरा को ही उठा कर लाते हैं। लेट पेरा इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, किसको उठा के लाना, पेरा बाबा को। तो पेरा को उठा लाया हमें। इसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर पेरा जो है इसके ऊपर हमें लगाना है एट इवेंट लिसनर। ठीक है, एट इवेंट लिसनर लगाना है। इवेंट लिसनर में लगाना क्या है भाई साहब, तो जो हमारा पहले ग्राफ है उसके ऊपर मैं जैसे ही जाऊँ, जैसे कि ये पहले ग्राफ है मेरा, तो इसके ऊपर मैं जैसे ही जाऊँ तो मेरे पास यहाँ एक अलर्ट मैसेज आ जाएगी कि यार आप पहले ग्राफ के ऊपर है ऐसा कुछ। ठीक है, तो हम इसको अप्लाई करते हैं। तो ये इवेंट आएगा कैसे, तो माउस ओवर के ऊपर आएगा ये माउस ओवर। ठीक है, माउस ओवर के ऊपर हम क्या करेंगे, हमारे फंक्शन को यहाँ पर रन करेंगे, फंक्शन रन। ठीक है, अब इस फंक्शन के हमें क्या करना पड़ेगा, बॉडी को भी स्टार्ट करना पड़ेगा, और उसी के अंदर हम क्या करेंगे अलर्ट मैसेज को हमारे यहाँ पर दिखाएंगे। तो अलर्ट मैसेज के हम देख देते हैं कि आप पहले ग्राफ पी एल ई ग्राफ के ऊपर हैं। ठीक है, ये हमने हमारा यहाँ पर एक मैसेज दिखा दिया। मुझे पता है कि ये बहुत गंदा दिखेगा, बट ठीक है, हम काम सीख रहे हैं तो सीख सकते हैं इसके थ्रू, जो कि हमारे लिए अच्छा रहेगा। रिफ्रेश किया, जैसे ही आया तो ऊपर हमारा अलर्ट मैसेज क्या आ गया, आप पहले ग्राफ के ऊपर है। तो कुछ इस तरह से हम हमारे इवेंट लिसनर का यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के इवेंट लिसनर का यूज़, इवेंट लिसनर के अंदर बाकी जो इवेंट्स है उनको आप लगा कर देखिएगा, ऑन क्लिक डबल क्लिक, ये सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि सारी चीज़ें हम पढ़ने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।